अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में, मैं एक एक दिन में आठ आठ दस दस सभा ली थी, और मैंने कोई अभी तक मेरे दो ढाई साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं, अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है, जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया, गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करनी है? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं, और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारी सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े सवा दो ढाई साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं ढाई साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है, और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्व सामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए ढाई साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है, और मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी, कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है, और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे? अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है, अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।